हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि बूटेबल विंडोज़ यूएसबी हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको विंडोज़ की सीडी या विंडोज़ की आईएसओ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास विंडोज़ की आईएसओ फाइल नहीं है तो आपके पास सीडी होनी चाहिए। अगर सीडी है तो आप सीडी पे राइट क्लिक करके पावर आईएसओ में क्लिक करेंगे और एड टू इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आईएसओ फाइल क्रिएट करके आईएसओ फाइल आप क्रिएट करेंगे तो वो आईएसओ फाइल बन जाएगी, तो वो सॉफ्टवेयर में इजीली पुट हो जाएगी। विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 आप बहुत ही आसानी से बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। अब आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो उस सॉफ्टवेयर का नाम है रफ़स। रफ़स बहुत इजी जिसे कहते हैं हम, उससे इजी सॉफ्टवेयर है जिससे हम बूटेबल यूएसबी विंडोज़ यूएसबी बना सकते हैं। तो हमें करना ये होगा कि इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करने के बाद रफ़स 1.4.12.535 का वर्जन हमारे सामने आ चुका है। अब हमें ये करना है कि अगर आपने यूएसबी लगाई हुई है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर दो यूएसबी लगाई हुई है तो आपको देख के करना पड़ेगा कि मुझे इस यूएसबी में बूटेबल विंडोज़ बनानी है। तो आपको इस फाइल सिस्टम को भी नहीं कुछ करना, पार्टीशन स्कीम टारगेट सिस्टम टाइप को भी कुछ नहीं करना, क्लस्टर साइज़ को भी कुछ नहीं करना। और अगर हम आपको कोई नेम देना है अपनी यूएसबी को तो आप दे सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 अगर आप बना रहे हैं तो विंडोज़ 7 62-bit 64-bit जैसे कि आप 64-bit लिख चुके हैं। अगर 32-bit लिखना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, आप अपना नाम लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, वो आप आराम से लिख सकते हैं। और आपको अब विंडोज़ की फ़ाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पर जो सीडी बनी हुई है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फाइल लोकेशन आप देखेंगे कि यार फाइल लोकेशन किधर है। फाइल लोकेशन करने के बाद अगर आपके पास जो भी विंडो है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, बस उस पर डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा कि मुझे इसको बूटेबल यूएसबी बनाना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी यूएसबी वो सिलेक्ट कर लेगा, वो आपको ढूंढ लेगा, तो आपको सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है तो वो कम्प्लीट हो जाएगा आपकी, और आपकी बिल्कुल ईजिली ये बूटेबल विंडोज़ यूएसबी बन जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही है, आप इससे बनाएं और इंशाल्लाह आपकी यूएसबी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपका कोई मुझसे सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो इसके बारे में, तो आप मुझसे पूछें, कमेंट्स करें मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।